हेलो दोस्तों, आई एम मयंक आनंद फ्रॉम आईटी गुवाहाटी एंड इन दिस वीडियो वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होंगे। अभी आपका जोसा काउंसलिंग चल रहा है तो बहुत सारे ब्रांचेस में हमें डाउट रहते हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा होगा या केमिकल या मैकेनिकल या मेटलर्जी या बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो उन डाउट्स को इस वीडियो में हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, क्या ये लाइटेस्ट ब्रांच है या नहीं है, तो यार हम सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है यार, व्हाट टू स्टडी, हमें केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना आईटी गुवाहाटी का मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग का, एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं। 19-20 का कुछ डिफरेंस होगा तो वो रह सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, देखो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 तो सारे कॉमन कोर्सेज होते हैं, सो फ्रॉम सेमेस्टर 3 डेडिकेटेडली केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्सेज आता है, ठीक है। देख सकते हैं देयर इज अ मैथमेटिक्स कोर्स, सॉलिड मैकेनिक्स, नाउ केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस, फ्लूइड, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, एंड अगेन सेमेस्टर 4 में वी कैन सी अगेन मास ट्रांसफर, सॉलिड फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर। इवन सेमेस्टर 5 में भी ऐसे ही देखिए मास ट्रांसफर, केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। सो आप लोग को अभी पता नहीं होगा कि व्हाट इज मास ट्रांसफर, राइट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स विच आर बीइंग यूज्ड हियर, राइट। सो इस सिलेबस को मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी वर्ड्स में, ठीक है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने क्लास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था, इसी का एक एक्सटेंशन होगा जो हम पढ़ेंगे। देन केमिकल काइनेटिक्स, अगेन ये क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में था। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है यार कि केमिकल इंजीनियरिंग को वी कंपेयर इट विद केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री होता है पर वो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑर्गेनिक मिलेगा, इनऑर्गेनिक मिलेगा रटने वाला, ये सारे चैप्टर्स आर ऑल बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसमें 80-90% सारा न्यूमेरिकल्स होता है, थ्योरी ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो इसलिए घबराइएगा नहीं कि अगर आपको केमिस्ट्री अगर आपका वीक था तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग ले सकता हूँ कि नहीं। मेरा भी केमिस्ट्री कुछ खास अच्छा नहीं था, खासकर इनऑर्गेनिक तो और ख़राब ही था, बट देन ऑल्सो आई टुक केमिकल इंजीनियरिंग एंड वो अच्छा था। देन कम्स मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर आप लोग को पता नहीं होगा क्या होता है, तो इसमें हम एड्सॉर्प्शन जो कि हमने बस बेसिक डेफिनेशन पढ़ा रहता है जी के समय में, उसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन नाउ डिफ्यूजन, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। नाउ हीट ट्रांसफर में जो हमने जी में पढ़ा था ना कि हीट फ्लक्स क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी अप बाई डी एक्स, इसी टाइप का एक एक्सटेंशन मिलेगा, थोड़ा एडवांस लेवल में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड फाइनली फ्लूड मैकेनिक्स। फ्लूड मैकेनिक्स में क्या क्या आ जाता था, विस्कोसिटी आ जाता था, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, जो कि हमने फिजिक्स के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। फ्लूड मैकेनिक्स में उसी का कुछ कुछ और एक्सटेंशन आपको मिलेगा, वाटर स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूड्स क्या होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स क्या होते हैं। सो दीज आर द मीन्स मेजर चंक यही हमें पढ़ना होगा, ठीक है। एंड कुछ टॉपिक्स हमें मैथ्स के भी पढ़ने होंगे, वो कॉलेज पर डिपेंड होते हैं कि मैथ्स के क्या क्या कोर्सेज है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मैथ्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब पढ़ाया गया था, ठीक है। तो वो सब चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो मेजॉरिटी सारे ब्रांचेस में आपको कुछ कोर्सेज मैथ्स के रहते ही हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको मैथ्स यूज़ होते ही हैं, ठीक है। सो हमने अभी तक सीख लिया कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द टफनेस ऑफ द कोर्स, क्या ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो जब मैंने लिया था तो मुझे उतना क्लियर नहीं था, पर बाद में मुझको क्लियर हुआ कि यार जितने भी नॉन सर्किटल ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा नॉन सर्किटल ब्रांचेज क्या होते हैं, वो ब्रांचेज जो कि ई सी, ट्रिपल ई, राइट, सी एस सी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये सब ब्रांचेस के अलावा जो भी ब्रांचेस बच गए लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, नॉ मेटलर्जी एंड बहुत सारे अदर ब्रांचेस हैं, तो इन टाइप के ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सर्किटल। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय फोर्थ सेमेस्टर आई रियलाइज्ड दैट केमिकल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट ब्रांच, ठीक है, लाइटेस्ट ब्रांच है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पर जितना अदर ब्रांचेस एफर्ट मारेंगे सीपीआई लाने में तो रिलेटिवली हमें थोड़ा कम एफर्ट मारना होगा, ठीक है। कि लेट्स से आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम 1 मंथ बाद है, सो अगर आप 10 डेज या 1 वीक पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो आपका इजीली आप कंप्लीट कर लीजिएगा सिलेबस, एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ही टफ होता है, ठीक है। नाउ वी विल बी कंपेयरिंग केमिकल इंजीनियरिंग विद अदर ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस में क्या क्या हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, बायो साइंस हो गया, राइट, एंड जो भी अदर फार्मास्यूटिकल्स एंड जो भी अदर ब्रांचेस है वो सब हो गए, ठीक है। तो क्योंकि हम नॉन सर्किटल ब्रांचेस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये एक नॉन सर्किटल ब्रांच है, वी कांट कंपेयर इट विद सर्किटल ब्रांचेस, क्योंकि अगर आपको बस प्लेसमेंट लेना है
ठीक है, बस आपको एक जॉब लेना है हाईएस्ट पैकेज की, देन यू नीड टू टेक सर्किटल ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. बट अगर आपको सर्किटल ब्रांचेस नहीं मिल रहे एंड यू नीड टू टेक एनी नॉन सर्किटल ब्रांचेस, देन आई थिंक दैट द बेस्ट ब्रांच इज केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, क्योंकि ये लाइटेस्ट ब्रांच है, इसका सिलेबस भी बहुत कम है, सिलेबस भी रिलेटिवली लेस है, ठीक है. CPI भी आप इजी, मतलब अगर थोड़ा सा एफर्ट अच्छा मारेंगे तो देन यू कैन इजीली स्कोर हाई मार्क्स एंड हाई CPI, जो कि आपको प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी. एंड अगर आपका ये लाइटेस्ट ब्रांच है देन यू विल बी गेटिंग मोर फ्री टाइम, राइट? इफ़ यू आर गेटिंग मोर फ्री टाइम देन यू कैन इन्वेस्ट दोज टाइम इन अपस्किलिंग योर सेल्फ, राइट? जैसे कि आप कोडिंग सीख सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, अदर जितने भी स्किल्स हो सकते हैं आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आएंगे. केमिकल इंजीनियरिंग का लोड आप में कम रहेगा, सो यू कैन डू सम अदर एक्टिविटीज, यू कैन टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल, ठीक है. आपको अगर कोडिंग में जाना है दैट मीन्स अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको कोडिंग के लिए भी ज़्यादा समय मिलेगा. अगर आपको ज़्यादा समय मिलेगा देन यू कैन मोर प्रैक्टिस, ठीक है, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, जो कि आपको बेनिफिशियल रहेगा. ऐसा नहीं है कि सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी सब खराब है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ये मुझे ठीक लगा, इजी ब्रांच है, ठीक है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मेन फोकस यही होगा. तो देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के जॉब हो सकते हैं. एक तो होता है कोर जॉब, यानी कि जो जॉब हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही लेते हैं, जैसे कि जितने भी PSUs हो गए आपके इंडिया में, ONGC, इंडियन ऑयल एंड अदर जो भी इस टाइप की कंपनीज हो गई लाइक रिलायंस, ठीक है. अगर आपको इनमें जॉब्स लेना है देन आजकल क्या हो रहा है कि BTech स्टूडेंट्स को उतने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा हमारा सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहता है. सो यू नीड टू डू MTech और यू नीड टू गिव गेट एग्ज़ाम के थ्रू आपका इन कंपनीज़ में हो जाता है. केमिकल इंजीनियरिंग आप सब्जेक्ट लेंगे, आपके इसके गेट के थ्रू इन कंपनीज़ में जॉब लग जाएगी. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन कोर ऑप्शंस इन इंडिया. नॉन कोर क्या हो गया, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यही ऑप्ट करते हैं. 90% ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में भी नॉन कोर ही जॉब्स प्रेफर करते हैं, ठीक है. जो कि क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, जो कि आज बूम चल रहा है इंडिया में, हर दूसरा इंजीनियर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर ही मिलेगा, ठीक है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, फाइनेंस में आप जा सकते हैं, ठीक है. नाउ कंसल्टिंग में भी जा सकते हैं. तो अगर आपको इन कंपनीज में जाना है तो केमिकल इंजीनियरिंग तो आपके लिए कुछ भी मतलब नहीं रह गया, बस आपका अगर CPI अच्छा है एंड इन जॉब्स के लिए आपका स्किल्स रेडी है देन आपका इजीली इन कंपनीज में हो जाएगा, जॉब आपकी लग जाएगी. तो अभी हम इससे क्या सीखें कि अगर आपको कोर में जाना है तो आपके पास PSUs ऑप्शन है, एंड अगर आपको नॉन कोर में जाना है सो यू हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, अदर मार्केटिंग रोल्स. तो उसके लिए आपको तो केमिकल इंजीनियरिंग एज सच सब्जेक्ट से तो कोई फायदा नहीं होगा, बट हाँ, क्योंकि ये लाइट ब्रांच है तो आपका CPI अच्छा हो सकता है, एंड विद द टाइम आप इन सब्जेक्ट्स के स्किल्स आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट के लिए आपको खुद से ही सीखना होगा, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज. कोडिंग आप कर सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, कंसल्टिंग क्या होता है, कंसल्टेंसी क्या होता है, राइट? ये सब आप खुद से सीख सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई जॉब्स फॉर दीज कंपनीज, राइट? तो ये तो हो गया इंडिया में. एंड अगर आप अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं तो अब्रॉड में केमिकल इंजीनियरिंग का, दैट मीन्स कोर का, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज वी कंपेयर फ्रॉम इंडिया. सो आपको अगर बाहर में आपको जॉब्स करनी है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, यू नीड टू डू मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. अब US, UK कहीं से कर सकते हैं मास्टर्स, एंड फिर वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स में. वहाँ की कौन कौन सी कंपनीज हो गई, लाइक फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, पूरा एनर्जी कंपनी जितनी भी हो गई, एनर्जी, हेल्थ सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हो गई, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग का यूज़ हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारा जगह करते हैं, ठीक है. जो भी हम टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, सोप्स यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, सो ये ऑल केमिकल इंडस्ट्री ही है, ठीक है. तो आपको अब्रॉड में कोर में ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे. एंड जहाँ तक सैलरीज की बात है, सो कोर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कोर में, क्योंकि कोर में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस से आपका सैलरी बढ़ता है, राइट? एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका इनिशियली पैकेज ज़्यादा रहेगा, बट आफ्टर 10 ईयर्स व्हेन विल सी देन कोर एंड दीज नॉन कोर वुड बी सेम, राइट? तो इसलिए घबराने की बात नहीं है. अगर आपको कोर में जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर कोर. आप आराम से पेशेंटली 4-5 साल एक जगह में काम कीजिएगा, देन आपका एक्सपोनेंशियली फिर ग्रोथ आपको मिलेगी, राइट? पर हाँ, इनिशियली अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपको कुछ इस प्रकार की ग्राफ मिलेगी. इनिशियली आपको ग्रोथ दिखेगा ही नहीं, बट फाइनली आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा. जहाँ तक हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या नॉन कोर जॉब्स की बात करते हैं, राइट, तो वहाँ पर हमें लीनियर ग्राफ मिलती है, हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ मिलते जाती है. तो यही है कि अगर आपके पास पेशेंस है देन यू कैन डेफिनेटली अचीव ग्रेट माइलस्टोन्स इन द कोर जॉब्स एज वेल.
तो आई होप कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको अभी भी कोई और भी डाउट्स रह गई है आपके माइंड में, देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप यू कैन टेक पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग या फिर जेई से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली आस्क फ्रॉम मी, राइट। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए।